खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का एच के ए न्यूज़ में खैर मकदम है। भाजपा वरिष्ठ नेता रविचंदन खेरे ने रेना गली के दुकानों पर किया पलटवार। बसवा कल्याण तालुका में जो रेना गली में जो सीएमसी कमिश्नर, पुलिस और बीजेपी लीडर रविचंदन खेरे के साथ में जो हाथापाई का मामला सामने आया था, इसके चलते आज BK9 न्यूज़ और HKA न्यूज़ की जानिब से वहाँ पर पहुँच कर उनसे बातचीत की गई। रविचंदन खेरे बीजेपी लीडर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने डेवलपमेंट के साथ दिया है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ 4 घंटे की मैंने मोहलत और टाइम मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे टाइम देने से इनकार कर दिया और उन्होंने ज़्यादती करते हुए मेरी बाउंड्री को भी नुकसान पहुँचाया। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है बसवा कल्याण से नुमाइंदा रिपोर्टर शेख असलम की HKA न्यूज़ के लिए ये खसूसी रिपोर्ट। सभी को मेरा नमस्कार। भाइयों, जो अतिक्रमण के खिलाफ रविचंदन कह रहे थे, अपोज करे और जो डेवलपमेंट हो रहा था उसके खिलाफ में वो ऑफिसरों के साथ कुछ वाद विवाद करे बोलकर जो मीडिया में आया है, उसके बारे में आज हमारे लगाते हैं। और आज जो अतिक्रमण निकालने के लिए वो लोग जो ये कर रहे थे उसका मैं स्वागत किया और उसके लिए मैंने AEE सज्जन शेट्टी को मैं इससे पहला चार पांच दिन पहले भी उनसे कॉन्टेक्ट कर लोगों को इसके बारे में आप संक्षिप्त माहिती दो बोलने के लिए मैंने फोन किए तो वो लोग फोन नहीं उठाए। और जहां तक मेरे नजर में जिस दिन रहने पर ऐसा हो वो अतिक्रमण को निकालने के लिए वो लोग आ रहे बोलकर मुझे मैसेज मिला, मिलते साथ ही मैं पुलिस स्टेशन के नजदीक जहां पर वो लोग चालू कर रहे थे, मैंने जाकर वहां पर तहसीलदार जी थे, कमिश्नर थे, DSI थे, सभी लोग थे, मैं वहां पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट किया था, सर गरीब लोग आ रहते हैं इसके लिए वो लोग अपना सामान वगैरह सब कुछ निकालने के लिए थोड़ा बहुत समय दीजिए। और जहां तक ये है अतिक्रमण आप जो निकाल रहे ठीक है, और जहां पर आप मेन रोड पर अतिक्रमण का जो सामान निकाल कर रोड पर फेंके हुए हैं, जो अतिक्रमण का जो ये पत्थर वगैरह मट्टी वगैरह पहला वो तो क्लियर कर दो, वहां का जो ये है ड्रेनेज है उसको क्लियर कर लो बाद में। आज ये एक ही नहीं, हर एक इसमें डेवलपमेंट के साथ रहे तो लोग आए हैं। और आज कुछ मीडिया में कुछ लोग अपना ये करने के लिए डेवलपमेंट को रोक लगाए बोलने का, ये चीज गलत है। और रविचंदन के आज तक डेवलपमेंट के खिलाफ या पर्सनली किसी के व्यक्ति के खिलाफ बोलकर आज तक कोई नहीं बोला, ये फर्स्ट टाइम कहां से ये कौन ये करे मुझे पता नहीं है। और इसके बारे में मैं सभी अपने गांव के और अपने सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूं, जहां पर गलत है उसको गलत बोलने का सभी को हक है और बोलना चाहिए, उससे ही डेवलपमेंट होता। अगर उस दिन मेरे साथ ये हादसा नहीं होता तो आज जो ये रोड पर कल से ये लोग जो साफ सफाई चालू करें और नाला जो ड्रेनेज का साफ करने का काम चालू हुआ तो अभी एक महीना हुआ तो भी नहीं होता था। जो मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाया इस वजह से उनको भी लगा सही था, तो उन्होंने एनक्रोचमेंट को रोककर पहले साफ सफाई चालू करें। मैं इसीलिए सभी भाइयों से निवेदन करता हूं डेवलपमेंट के साथ हम सब लोग रहेंगे, क्योंकि ये अपना गांव है, हमें भी सुंदर लगना चाहिए, हमें भी अच्छा लगना चाहिए, ड्रेनेज क्लियर सभी से हमको क्लियर करना है, हम ये कंपाउंड गिरा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और वहां पर मैं अकेला नहीं था, वहां पर करीब 300 से 400 लोग थे, पुलिस वाले थे, और पुलिस वाले से भी मैंने रिक्वेस्ट किया तो वो लोग बोले सर अगर वक्त देने के लिए कमिश्नर रेडी रहा तो हमारा कोई ये नहीं है उसमें, आप कमिश्नर से बात करो बोले। मैंने कमिश्नर से भी
बात किया और तहसीलदार सर साहब से भी बात किया, सर एक चार घंटा मेरे को टाइम दो, आपको जहां तक आपको क्लियरेंस चाहिए मैं वो आपको कर दे दूंगा, अगर चार घंटे में नहीं हुआ तो आप आकर कभी भी कर सकते हैं, नहीं आज चार घंटे आपके अकेले के लिए हम आना क्या। मैं बोला सर मैं आपको चार दिन नहीं पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं है, लेबर आने के लिए वक्त लगता है और आप आए तक ये नहीं हुआ तो आप ये कर सकते हैं, बोलने के बावजूद नहीं नहीं हम गिरा देंगे, ये गिराए तक हम आगे नहीं जाएंगे। बोलने के बाद मैं उनसे इतना ही कहा, उतना ही रहा तो पहले जाकर जो मेन रोड पर आपने जो पूरा ये डालकर आए तोड़फोड़ कर वो सब क्लियर कर आ जाओ और वहां का नाला वगैरह साफ कर आ जाओ, आने के बाद मेरा भी होना है तो तोड़ दो, उसे नहीं बोले तो मेरे को चार घंटे में मैं निकाल लेता हूँ, उसके बावजूद रहने के बावजूद भी आपको लगता है कि मैं नहीं निकाला तो कभी भी कर सकते हैं। बोलने से उनको अपना प्रेस्टीज बना लिए, वो लोग प्रेस्टीज पर आकर इतने लोगों में हमारा ये कर रहे हैं, हमारे ये लिस्ट पे ये कर रहे हैं बोलकर वो लोग जेसीबी से मेरा जो कंपाउंड था उस कंपाउंड को धक्का लगाकर आड़ा टेढ़ा खोदने लगे, तब मुझे थोड़ा बहुत मैं उनसे कितना रिक्वेस्ट कर रहे तो भी ये नहीं होगा, तब उनसे मैं जो बात कर रहा था उनको दिल को ये दिल में अभी इनको छोड़ना ही नहीं समझकर वो लोग रैश होकर पुलिसों को आगे कर मुझे वहां से हटाने का कोशिश किया है। तो उस वक्त हमारे पीएसआई साहब आकर वहां पर ज्यादा ये नहीं होना बोलकर मुझे वहां से लेकर गए, लेकर जाने के बाद वहां पर सब कुछ वहां का काम खत्म होने के बाद और वो मुझे सहयोग कर वो मेरे को घर तक वो बसवा कल्याण नारायणपुर रोड पर मौजूद नोबल पब्लिक स्कूल में एकेडमिक ईयर साल 2024-25 के लिए नर्सरी टू टेंथ क्लास के लिए एडमिशन से जारी, मजीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है, फ़ोन नंबर है 9986791928।